दोस्तों नमस्कार आप सभी को, मैं आदित्य कौशिक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टॉक बाज़ार पर। दोस्तों आज जो हम वीडियो में बात करने वाले हैं वो एक शेयर के ऊपर बात होगी, उस शेयर का नाम जो है वी से है, ठीक है। तो उस स्टॉक में आज 8% की तेज़ी आई है, तो क्या हुआ, और बल्कि पिछले महीने देखा जाए तो वो सिर्फ 1-2% के आसपास बढ़ा था, लेकिन आज सिंगल डे में वो 8% बढ़ा। ऊपर से उसने अपने 52 वीक का जो हाई था उसको भी तोड़ा, ठीक है। तो अपना 52 वीक का जो हाई था उसको भी हिट किया। तो वो कौन सा स्टॉक है अभी हम डिटेल में उसके बारे में बात करने वाले हैं, क्यों उसने आज इतनी बड़ी रैली 8% की रैली सिंगल डे में दी, ठीक है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये वाली जो न्यूज़ है ये है वेदांता कंपनी के ऊपर। देखिए वेदांता कंपनी का जो शेयर है यहाँ पे हमें 8% जंप करता हुआ दिखाई दे गया है, और यहाँ पे देखिए अपना 52 वीक का जो हाई था उसको हिट किया है, ठीक है। आफ्टर CLSA अपग्रेड द स्टॉक, तो इसके बारे में पूरा अच्छे से अभी डिटेल में पढ़ लेते हैं क्या है CLSA भी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे वेदांता शेयर प्राइस कंटिन्यूड विटनेसिंग स्ट्रॉन्ग बाइंग इंटरेस्ट फ्रॉम इन्वेस्टर एज इट जंप ऑलमोस्ट 8% हिट ऑल टाइम हाई 52 वीक हाई ऑन द वेनस्डे, ठीक है। तो वेदांता जो था ना उसने क्या करा, आज उसमें बाइंग इंटरेस्ट इतना था, इतना स्ट्रॉन्ग बाइंग इंटरेस्ट था कि जो उसका प्राइस था जंप हुआ 8%, और उसने फ्रेश 52 वीक जो हाई था उसको हिट किया। और ये आज के दिन जो प्राइस वेदांता का ओपन हुआ था 347 प्राइस ओपन हुआ था, और अगेंस्ट प्रीवियस क्लोज ऑफ मतलब पिछले दिन जो था ना प्राइस 338 था, और आज ओपन ही हुआ 347 पे। और फिर इसके बाद जो इसने मतलब 8% की जो जंप करी है ना यहाँ पे, उसके बाद इसका जो प्राइस हो गया 364, ठीक है। तो 7.40% हाइयर है अभी भी, ठीक है। वो तो अब देख लेते हैं ऐसा क्यों हुआ। तो वेदांता शेयर प्राइस जंप हुआ वेनसडे को आफ्टर ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म, ये देखिए जो अभी हमने एक आर्टिकल देखा था उसमें लिखा हुआ था CLSA ने अपग्रेड कर दिया। CLSA क्या है कि ब्रोकरेज फर्म्स होती हैं, जैसे कि जेफरीज हो गया या फिर और भी होते हैं, ठीक है। तो CLSA ने अपलोड कर दिया, ये जो ब्रोकरेज फर्म है वो भी ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म, ये क्या करते हैं रेटिंग देते रहते हैं किसी किसी स्टॉक को। तो जैसे इन्होंने वेदांता को पहले अंडर परफॉर्म की रेटिंग दे रखी थी, ये स्टॉक नहीं चलेगा, अंडर परफॉर्म है, बेकार है, ठीक है। लेकिन अब इन्होंने क्या करा, CLSA ने क्या किया है, CLSA ने अपग्रेड कर दिया स्टॉक को बाय रिकमेंडेशन के लिए। पहले उन्होंने कर रखा था अंडर परफॉर्म, लेकिन CLSA ने खुद ने ही बाय रिकमेंडेशन दी है का, ठीक है, और रेज किया है उसका टारगेट प्राइस 390। पहले जो इन्होंने प्राइस दे रखा था वो एक तो अंडर परफॉर्म कह रखा था, ऊपर से 260 तक का ही टारगेट दे रखा था, ठीक है, कि 260 तक ये स्टॉक आ सकता है। और अब उन्होंने क्या किया, बाइंग रेटिंग देने के साथ साथ एक अच्छा टारगेट दिया 390, और अभी 364 के आसपास तो वो चल ही रहा है, 390 कुछ दिन में या एक मे बी टुमारो भी हो सकता है ये, ठीक है। तो ये 15% अपसाइड पोटेंशियल हमें देखने को मिल सकता है। तो इसी वजह से आज जो इसका वेदांता का जो प्राइस था हमें काफ़ी ऊपर देखने को मिल गया। स्टार्टिंग एक तो गैप अप से हुई थी, उसके बाद पूरे टाइम यहाँ पे हमें उस ऊपर की तरफ देखने को मिल गया ये स्टॉक, ठीक है। और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ और बता दूँ, जैसा मैंने बताया कि 52 वीक को आज इसने टच किया है अपना, तो ये देखिए अप्रैल के मंथ, सिर्फ अप्रैल के मंथ में ही 18% बढ़ा, ये देखिए। अगर यहाँ पे था 300 के आसपास था, 305-306 के आसपास, और अब ये ट्रेड कर रहा है 360, मतलब ये 18-20% के आसपास, ये सिर्फ अप्रैल में दिन ही कितने हुआ, 10 तारीख है, तो 10 दिन में इतनी अच्छी इसने यहाँ पे हमें ग्रोथ दिखाई है वेदांता ने। तो इसका मतलब ये जो CLSA है जो कि ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म है, इसने सही रेटिंग दी है जिस, और ये इसने दी है 390 समथिंग की रेटिंग, तो वो भी अब मुझे लगता है काफ़ी जल्दी हो जाएगा, वो भी इसी महीने में हो जाएगा, और मे बी टुमारो भी हो सकता है, जितनी अच्छी तेज़ी चल रही है इस स्टॉक में। तो दोस्तों ये थी आज, तो दोस्तों ये जो टारगेट्स हैं जो CLSA ने दिए हैं, अब देखना ही है कि ये स्टॉक 390 का जो टारगेट है उसको वहाँ तक पहुँचता है या नहीं पहुँचता, ठीक है दोस्तों। तो नमस्कार, इजाज़त चाहूँगा, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।